तरह से HD कवरेज वाली बेस बनाएं, फुल कवरेज, जैसे सैलून्स में बेस बनती है, ब्राइडल के लिए स्पेशली बनती है, समर स्पेशल बेस जो कि लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ भी रहेगी और स्वेट प्रूफ भी रहेगी, जितना पसीना आएगा लेकिन मेकअप बिल्कुल खराब नहीं होगा, बिल्कुल सैलून जैसी बेस। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग लास्टिंग बेस जो कि फुल कवरेज होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मेथड बेस बनाने का जो कि सिर्फ 2 स्टेप में होगा और लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ रहेगा और फुल कवरेज होगा। सो जैसे कि आप सबको पता है कि सैलून्स में, पार्लर्स में ज़्यादातर क्रायलोन के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो एक प्रोडक्ट मेरे पास है यहाँ पे, इसको क्रायलोन एक्वा कलर के नाम से जाना जाता है, जिसको आम जुबान में सैलून्स में वेट केक भी कहा जाता है। तो हम आज इसी से ही बेस बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डिमांड की गई थी इस वीडियो की कि भाई एक्वा कलर को यूज़ करने का तरीका बता दे। तो मैंने कहा चलें लगे हाथों इसको यूज़ करने का तरीका और साथ ही साथ इससे बेस किस तरह से बनाते हैं वो भी बता दूंगी। दूसरी बात ये कि ये जो बेस है ना, ये एकदम फर्स्ट क्लास किस्म की है, लेकिन अगर आप इसको सही से यूज़ नहीं करेंगे ना, तो यकीन करें ये आपकी बेस ख़राब कर देगी। इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। जब मैंने इसको न्यू बाय किया था ना, तब मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी इसको यूज़ करने में, हालांकि इतनी महंगी प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैंने इसका एक्चुअल यूज़ करना जाना तभी मुझे पता चला कि हम इससे कितने फ्लॉलेस रिजल्ट जो है वो पा सकते हैं यूज़ करने के बाद। मेरे पास के 2 शेड्स हैं, एक FS38 और एक 303 येलो बेस होती है, और FS38 जो है वो मीडियम टू फेयर स्किन के लिए बेस्ट रहता है। 303 शेड को किस तरह से यूज़ करते हैं वो किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन आज FS38 से काम चलाएंगे। तो इन सारी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बनाते हैं बेस। सो सबसे पहले जी आपको प्राइमर लगाना होता है फेस पे बेस बनाने से पहले। आपको बहुत ज़्यादा लोग ये बोलेंगे कि स्टिक बेस वगैरह के नीचे प्राइमर नहीं लगाया जाता, तो हाँ अगर आप फ़ौरन से आपको जल्दी है बेस बनाने की तब आप स्किप कर दोगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम मिला हुआ है तो आप प्राइमर लाजमी यूज़ करोगे, क्योंकि प्राइमर आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है ताकि जो मेकअप है वो आपके पोर्स के अंदर जाके ब्रेकआउट्स ना करे। तो प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमर मेरे पास यहाँ पे मेबलिन का बेबी स्किन प्राइमर है, ठीक है। आप 10 से 15 मिनट पहले ही प्राइमर लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि मैं तो बेस हैंड पे बनाना बताऊंगी, तो आपने जो है ना फेस पे लाजमी प्राइमर लगाना है, मैं हाथों पे लगा के नहीं दिखा रही, ठीक है। उससे पहले आपने पहले CTM वगैरह कर लेना है, फिर प्राइमर अप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन के लिए आप कोई सा भी कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके क्लाइंट के स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से। और ये जो बेस है वो स्पेशल हम बना रहे हैं गर्मियों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हैं जी LA Pro गर्ल के जो कंसीलर्स होते हैं, कलर करेक्टर्स होते हैं वो, तो आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हो। इनके भी लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले अब मैं अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी। हैंड्स पे मैं लोशन यूज़ कर रही हूँ। आप फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कीजिएगा, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। और बेस बनाने से पहले गर्मियों में आपने लाजमी ठंडे पानी से मुँह धुलाना है अपने क्लाइंट का, और आइस क्यूब्स के साथ मसाज करने एंड देन CTM करना है, ठीक है। अब यहाँ में मुझे मेहंदी लगी हुई है, तो इसको हाइड करने के लिए वैसे ग्रीन कलर यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये रेड है, लेकिन हम जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज कलर करेक्टर, क्योंकि अब थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में आ गया है, तो आपको पता है कि ब्राउनिश या डार्क जो भी कलर्स होते हैं उनको हम ऑरेंज के साथ कैंसिल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ किया, फिर भी आपको हल्का फुल्का इसका स्टेन नज़र आएगा, लेकिन जब इसके ऊपर बेस लगेगी तो पूरा का पूरा ये हाइड हो जाएगा। और किस तरह से हाइड करने हैं इस तरह के निशान वो मैं आपको आज समझा दूंगी। अब कलर करेक्टर आपने पूरी तरह ब्लेंड नहीं कर देना। गर्ल्स क्या करती हैं कि कलर करेक्टर को बिल्कुल ब्लेंड कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके ना तो डार्क सर्कल्स छुपते हैं ना ही पिगमेंटेशन छुपती है, बल्कि वो और वाजा नज़र आती है। अब यहाँ पे मैं क्रायलोन का F1 यूज़ कर रही हूँ। F1 काफ़ी फेयर शेड है, लेकिन नीचे से क्योंकि हमने कलर करेक्टर किया हुआ है तो हम जो है वो ऊपर इसके फेयर बेस लगा सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक टेक्निक है। अगर आपको कलर करेक्शन और कंसीलिंग इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप फेयर बेस डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। आप पहले अपने क्लाइंट के स्किन के मुताबिक शेड यूज़ करेंगे, देन उसके ऊपर फिर आप फेयर बेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रायलोन ट्यूब पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ। अब वेट केक जब हम यूज़ करेंगे तो हमेशा उसके नीचे कोई बेस बनाएंगे, या तो लिक्विड फाउंडेशन से या फिर स्टिक बेस से। स्टिक बेस ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं,
क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। और ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा अपना पर्सनल सीक्रेट मेथड है जो कि मैं करती हूँ, ठीक है। क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक को आप हाथों के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो, यानी फिंगर्स के साथ भी और स्पंज के साथ भी। सैलोन्स में बहुत ज़्यादा स्पंज के साथ इसको ब्लेंड किया जाता है, लेकिन मैं पर्सनली हाथों के साथ यानी फिंगर्स के साथ ब्लेंड करती हूँ। अब जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा निशान नज़र आ रहा था वहाँ पर मैंने क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक की थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी लेकर बेस की लगा ली, ठीक है। अगर आपको कहीं पर ज़्यादा निशान है, डार्क सर्कल्स है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस लगाएंगे एज अ कंसीलर के तौर पे, एज अ हाइलाइटर के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिंगर्स के साथ ब्लेंड किया है, आप इसकी ब्लेंडिंग देखें। जब भी आप फिंगर्स के साथ ब्लेंड करेंगे ना, तो यकीन करें कवरेज ज़्यादा आएगी और शाइन भी आएगी आपके बेस पे। अब हम बात करेंगे कि वेट केक को किस तरह से यूज़ किया जाए। वेट केक को यूज़ करना बहुत ही टेक्निकल है, अगर आपको ये सही से यूज़ करना नहीं आया तो यकीन करें आपकी बेस को ये ख़राब कर देगा। जो फट जाती है ना बेस, क्रेकी हो जाती है, वो कर देती है इसको। अब मैं यहाँ पे NYX का मैट फिनिश फिक्सिंग स्प्रे लेकर ब्रश के साथ, इस तरह के ब्रश के साथ इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मिक्स करते हुए आप देख सकते हो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लूँगी, ठीक है। क्या करना है, जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए आपने पेंट की तरह अपने फेस पे अप्लाई करना है। पहले आपने जस्ट अप्लाई करना है, आपने ब्लेंडिंग का फिलहाल नहीं सोचना, आपने बस अप्लाई करते जाना है। जितना भी आपको चाहिए आपने पेंट की तरह अप्लाई करते जाना है। और कोशिश कीजिए कि वेट केक की क्वांटिटी ज़्यादा हो, पानी या फिक्सिंग स्प्रे कम होना चाहिए। जैसे लाइनर्स होते हैं ना, लाइनर्स जो पानी के साथ एक्टिवेट होते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, लाइनर्स की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, पानी की नहीं। जितनी ज़्यादा बेस की क्वांटिटी होगी उतनी बेस की कवरेज ज़्यादा आएगी। जितना पानी ज़्यादा होगा, पतला पेस्ट होगा, उतना ही आपकी बेस की कवरेज कम होगी और आपके बेस की जो है ना वो उस तरह की HD बेस नहीं बनेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि स्किन पूरी तरह छुप गई है। अब यहाँ पे बहुत गर्ल्स ये बोलेंगी कि ये तो पेंट है, ये तो नेचुरल नहीं है, ये किस तरह है, मेकअप ये पेंट करना नहीं होता। देखें, जिसको पेंटिंग चाहिए वो पेंटिंग ही करेगा। सो प्लीज़ अगर आपको लगता है ये पेंट है तो आप यहीं पे स्टॉप कर लो। देखना, अच्छे से लगा लिया बेस को। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्पंज, इस तरह का स्पंज लेंगे, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई स्पंज लेंगे और इस तरह से लेके इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि हल्के से निशान पड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो ब्लेंडिंग होती है। आपने बस इस तरह से ब्लेंडिंग करते जाना है, डैब डैब करते हुए आपने ब्लेंडिंग करते जाना है, करते जाना है, ठीक हो गया जी। बिल्कुल ड्राई स्पंज लेना और आपने ब्लेंड करते जाना है। अच्छा, जब आप इसको लगाएंगे ना तो फ़ौरन ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, ज़रा एक दो सेकेंड रुक के फिर ब्लेंडिंग करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, जगह पर टिक जाए। अक्सर गर्ल्स क्या करती हैं कि बस लगा के फौरन से इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर देती हैं, वो गलत होता है। वो क्या होता है कि हट जाती है ये जगह से। जब ये हल्की फुल्की ड्राई हो जाए ना, देन आप इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करें। यकीन करें ये आपके फेस से टस से मस नहीं होती, आपको जितना पसीना आए ये बेस वहीं की वहीं टिकी रहती है और बहुत प्यारी लगती है। देख सकते हैं कि मेरे हाथों का पूरा टेक्स्चर हाइड हो गया, पूरा का पूरा, और ये रियल में इससे ज़्यादा बेहतर दिखता है फेस पे, ठीक है। ये फेस पे भी इसी तरह आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, आप इसको ना खाली अकेला भी यूज़ कर सकते हो। पानी लिया और इसका पेस्ट बनाया और आपने इसको डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर दिया, लेकिन उससे ये होगा कि ये फुल कवरेज नहीं होगा। अगर आप इसको फुल कवरेज बनाना चाहते हो तो आप इसके नीचे कोई ना कोई बेस लगाओगे। ज़्यादातर क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक ही यूज़ किया जाता है इसके साथ। इसकी प्राइस वगैरह जो है ना वो अब बढ़ गई है, लेकिन अगर आप सैलून में काम कर रही हैं, सैलून अपना है, तो आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अच्छी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। वैसे तो आजकल इनकी जगह लिक्विड फाउंडेशंस ने ले ली है, ये काफ़ी पुराने मेथड्स हैं, लेकिन आज भी सैलून्स में, बड़े बड़े सैलून्स में जो नामवर सैलून्स हैं उनमें ये वाले यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट्स। सो जो ग्रेस, जो लुक इन प्रोडक्ट्स के साथ आती है ना, वो आज तक किसी भी बड़े से बड़े लिक्विड फाउंडेशन में नहीं आई। क्रायलोन जो है ना वो आज तक यूज़ किया जाता है बड़े बड़े सैलून्स में, तो आप क्रायलोन के प्रोडक्ट्स ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। इसकी जगह एक दूसरा एक वेट केक आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी के साथ ही आपको मेथड बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फरमाइश थी गर्ल्स की कि हमें इसके साथ बेस बनाना बता दें जी। कितनी मस्त किस्म की बेस बन चुकी है, अब आप इसको पार्टी मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राइडल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये शादियों के लिए ही है, डेली वेयर के लिए नहीं है। इसको यूज़ करने के बाद ना आपको कोई ग्लॉसी फिनिश नहीं देखने को मिलती, मैट फिनिश मिलती है। आपने इसके बाद पाउडर लाजमी लगाना है, लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लाजमी लगाना है। बहुत गर्ल्स जो है ना इसको छोड़ देती हैं इसी तरह से, तो आपने इसको सेट करने के लिए पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो आपको सूट करता है वो पाउडर यूज़ करना है, ठीक हो गया जी। सेट रहे,
अब ये जो बेस है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी और बिल्कुल नहीं हटेगी, ये मेरी गारंटी अगर आप इसी मेथड से यूज़ करोगे तो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हाथों की स्किन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है बनिस्बत फेस के, सो आई होप आपको आज का मेथड पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।